हाय गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। रश्मि सिंघल जी का एक क्वेश्चन आया मुझे पतंजलि निरामयम के बारे में। आई थिंक उन्होंने बुकिंग करा दी है या करानी होगी, तो उनका ये क्वेश्चन था, तो मुझे लगा आज ही मैं उसका आंसर कर दूं। आज ही उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है एक वीडियो के थ्रू, क्योंकि लिखने में ना बहुत ज्यादा वो हो जाती है, काफी ज्यादा मैं बताना थोड़ा चाहती थी। उनका क्वेश्चन है और काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ये, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि वैसे मैं आंसर कर देती हूँ पर मुझे लगा एक वीडियो बना दूंगी और जिसको भी चाहिए होगा तो फिर मैं वीडियो का लिंक दे दिया करूंगी। उनका क्वेश्चन है, पतंजलि निरामयम में सामान किस किस टाइप का ले जाना चाहिए? अपने कपड़ों के अलावा टॉवल, काढ़े के लिए बॉटल, ग्लास भी ले जाना है क्या? कृपया इस बारे में जानकारी दें। तो रश्मि जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम भी जब निरामयम में गए थे, आपको पता है मेरे वीडियोस के थ्रू आपको पता चल गया है कि मैं निरामयम में गई थी, दिसंबर में गई थी 2022 में। तो वहां पर काफी सारा सामान जो मैं ले गई थी जो कि बिल्कुल भी यूज भी नहीं हुआ मेरा, क्योंकि पतंजलि निरामयम की बात कर रही हूँ मैं, और किसी के लिए ना योगराम की ना पतंजलि वेलनेस सेंटर, क्योंकि मैं ना मैं पतंजलि वेलनेस सेंटर अभी तक गई हूँ ना मैं पतंजलि योगराम गई हूँ। तो जो मैं अभी बता रही हूँ वो पतंजलि निरामयम के बारे में ही बता रही हूँ, मतलब रश्मि जी को तो पता चल जाएगा मुझे पता है, लेकिन बाकी और लोग जो हैं उसको योगराम या वेलनेस सेंटर के लिए ना ले जाएं, इसलिए मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ कि ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये पतंजलि निरामयम के लिए ही है। वो टॉवल्स की बात अगर सबसे पहले करें तो टॉवल्स आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली उनकी जब मेल आती है ना, तो मेल आई थिंक उन्होंने योगराम निरामयम सबके लिए शायद एक ही बनाई हुई है कि क्या क्या सामान आपको लेकर आना है, लेकिन निरामयम में हो सकता है योगराम में जरूरत पड़ती हो, लेकिन निरामयम में टॉवल्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बाथरूम में होता है जो उसके अंदर दो टॉवल्स होते हैं, तो नहाने के लिए वो सफिशियंट है दो मेंबर्स के लिए, और जो हाथ साफ करने के लिए जैसे कि मैंने एक अपना एक छोटा वाला टॉवल निकाल लिया था, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर टिश्यू पेपर डिस्पेंसर, जैसे हम अच्छे मॉल में जाते हैं या अच्छे किसी होटल में जाते हैं तो टिश्यू पेपर डिस्पेंसर जो होता है वो वहां पर होता है। बाकी जो आपके डेंटल किट है, मतलब कि वहां पर आपको टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, आपने पूछा नहीं है वैसे, टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग किट भी आई थिंक होती है वहां पर, होती है शेविंग किट भी, तो ये सब चीजें वहां पर होती हैं, तो चाहे आप अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट भी नहीं लेके जाएं तो भी चलेगा। तो ये टॉवल्स की बात मैंने क्लियर कर दी कि ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक आधा टॉवल अगर आपने लेके जाना तो ले जाओ, वैसे जरूरत नहीं क्योंकि हर रोज वो चेंज भी करते हैं बाथरूम में टॉवल्स। अगला, ग्लासेस आपने पूछा है काढ़े के लिए, सॉरी ग्लासेस जो है वो लेकर जाना है कि नहीं, ग्लासेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वहां पर जो पेंट्री है पतंजलि निरामयम के रूम्स के साथ जो पेंट्री होती है उसमें ग्लासेस पड़े होते हैं, सफिशियंट ग्लासेस होते हैं, पानी पीने के लिए अलग होते हैं, स्टील के भी होते हैं काढ़े वगैरह के लिए, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जाते ही जो आपको एक बैग मिलेगा ना जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो जो बैग होता है उसके अंदर भी एक ग्लास होता है, तो वो तो खैर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अभी तक मेरा वैसे ही बैग पड़ा है, तो ग्लासेस बिल्कुल भी ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं हम वाटर बॉटल पे, वाटर बॉटल, सॉरी आपने बॉटल्स पूछा है काढ़े के लिए, पर मैं वाटर बॉटल की भी बात कर देती हूँ। पानी वहां पर निरामयम में आपको आरओ वाटर मिलेगा, मैं काफी सारी बॉटल्स जो है अपने घर से भर के गई थी आरओ की, वहां पर पानी की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर तो जाने नहीं देंगे तो बिस्लरी वगैरह खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा, या फिर जैसे जो भी पानी है, तो मुझे लगा कि आरओ वाटर मैं घर से ही ले जाती हूँ। काफी सारी बॉटल्स मैं लेके गई थी एक बैग में, पर वो गाड़ी में पड़ी रही क्योंकि आरओ लगा हुआ है वहां पर पेंट्री में, तो पानी की भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है वहां पर। और दूसरा, बॉटल्स जो है काढ़े के लिए, हाँ बॉटल्स काढ़े के लिए एक इंसान को ना वो दो काढ़े देते हैं, जैसे हम मुझे और मेरे हस्बैंड को तो दो दो काढ़े देते हैं पूरे दिन के लिए कि पीते रहो आप, इनको फिनिश कर दो, तो वो जो है ना दो बॉटल्स तो उनसे ही ले ली थी हमने, और दो मैं अपनी लेकर गई थी, मतलब वहां पर लेकर तो मैं बहुत सारी गई थी बट यूज मैंने सिर्फ अपनी दो बॉटल्स ही करी है। मुझे पेंट्री में फ्लास्क भी पड़ी होती है, अगर इन केस आपको जरूरत पड़ती है तो फ्लास्क में भी काढ़ा लिया जा सकता है, क्योंकि वो तो रूम में ही रखना होता है, जब जब रूम में आओ बीच में पीते जाओ, तो आप बॉटल एक पर्सन के हिसाब से एक बॉटल ले लो, क्योंकि मैंने अपनी दो बॉटल्स यूज करी थी ये मैं आपको बता रही हूँ। बट हम उनके पास गए तो हम दो बॉटल्स लेके गए, हमने कहा हम तो दो ही बॉटल्स लाए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं हम दे देते हैं आपको, तो वहां पे काढ़ा जो है वो हमें उनकी बॉटल्स में भी हमने लिया था और अपनी दो बॉटल्स में भी लिया था। और दूसरा पेंट्री का वैसे बता देती हूँ, वैसे मैंने आपको बताया हुआ अपनी वीडियोस में कि हॉट प्लेट होता है वहां पर, पैन पड़ा होता है पानी गर्म करना है कुछ भी आपने गर्म करना है, तो ग्लासेस भी होते हैं वहां पर।
और अम्ब्रेला की बात कर लेती हूँ, अम्ब्रेलाज भी वहां पे दो पड़े होते हैं, जो आपको मेल आएगी उसमें लिखा होगा कि आप अम्ब्रेला लेके आना, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो जो योग भवन है जहां पर योग करने के लिए जाना होता है तो उसके लिए आपको चाहिए होगी। लेकिन निराम्यम में जो हमारा वाला था कपिल स्पा, उसके अंदर दो अम्ब्रेलाज पड़ी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अम्ब्रेला भी ले जाने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं लेकर गई थी, सब कुछ लेकर गई थी, बट बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कपड़ों के अलावा जो बस ये चीजें जो मैंने आपको बता दिया कि ये है, और उसके बाद ये है लूज क्लोथ लेकर जाना, बस मैं आपको थोड़ा सजेशन दे रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि वहां पर कपड़े आपके कोई बहुत ज्यादा की ऑयल, क्योंकि वहां पर मसाज वगैरह बहुत ज्यादा होती है, वहां पे वो लोग ना ऑयल और देसी घी बहुत यूज होता है वहां पर, आपकी जो मसाज होती है बहुत तरह की चीजें जो वो आपकी थेरेपीज होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कपड़े कोई बहुत गंदे हो जाएंगे, कोई घी वाले तेल वाले हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जब आपके ट्रीटमेंट कर देते हैं ना, तो उसके बाद वो प्रॉपरली अपने टॉवल से, गर्म टॉवल से या जिससे भी जरूरत होती है, वो अच्छे से आपकी बॉडी को वाइप कर देते हैं। तो जब आप अपने कपड़े पहनते हो उसके बाद, ट्रीटमेंट के बाद, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ ऑयल लग गया है या कुछ भी ऐसा लग गया है। और सिर पर भी अगर वो ऑयल लगाएंगे तो आपको वो कैप दे देंगे पहनने के लिए, शॉवर कैप दे देंगे, तो आपका कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेल घी वाला कुछ हो जाएगा। हाँ, बस ये कि लूज क्लोथ लेकर जाना वहां पर, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वहां पर योग होता है, और अपने कंफर्टेबल शूज लेकर जाना, क्योंकि ज्यादा दूर तो नहीं है निरामय में ट्रीटमेंट सेंटर जाना आना, इतना कोई दूर नहीं है, बट फिर भी बेटर है कि अगर आप अपने कंफर्टेबल शूज लेकर जाओ जिसमें कि आप आराम से चल पाओ। इस तरह के शूज लेकर जाना ना कि जैसे आप उतारने, लेसेस वाले मत लेना, है ना, जैसे स्केचर्स वगैरह के होते हैं जो जैसे मतलब बिना लेसेस के लेके जाना, उससे ये होता है ट्रीटमेंट के लिए आपको लेटना है फिर उठना है, तो बार बार लेसेस बांधना मुश्किल हो जाता है। और बस इतना ही है, बस वॉच वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, और फोन वगैरह तो खैर होता ही है पास में, वो रखना पड़ता है क्योंकि अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ हमने टाई अप करना होता है। अगर आप वैसे बात कर लो तो अब बेशक आप रूम में भी फोन जो है छोड़कर जा सकते हो। आई होप रश्मि जी, जो भी आपके क्वेश्चन से मैंने आंसर कर दिए हैं आपके, और बस आप जाओ वहां पर और ठीक हो कर आओ, और फीडबैक अपनी जरूर जरूर देना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना। जितना पॉजिटिव माइंडसेट आप लेके जाओगे कि मैंने ठीक होकर आना ही है वहां से, तो आप ठीक होकर ही आओगे वहां से। और जो भी थेरेपीज वगैरह होती है ना, तो उनमें उनको लेते हुए आप अच्छी जो फीलिंग अपने मन में लाना कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो गई हूँ मैं, इस तरह से, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय फ्रेंड्स।